दीपा उस दिन को याद कर रही है जिस दिन उसने अपनी बच्ची को जन्म दिया था। हर नई माँ की तरह वह बहुत खुश थी, पर थोड़ी चिंतित भी, क्योंकि वह जानती थी कि पहले महीने में नवजात शिशु की सही देखभाल करना कितना जरूरी है। उसे ANM बहन जी और मितानिन ने बताया था कि इस समय बच्चे बहुत नाजुक और कमजोर होते हैं और जल्दी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, इसलिए उन्हें खास देखभाल और ध्यान की जरूरत होती है। दीपा जानती थी कि अपनी बच्ची को ठंड और तेज गर्मी से बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए वह अपने कमरे का तापमान बच्ची के लिए अनुकूल रखती थी, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। बच्ची को हल्के मुलायम कपड़े में लपेटकर वह उसे अपने सीने से लगाकर रखती, जिससे बच्ची के शरीर का तापमान संतुलित रहे और उसे सर्दी ना लगे। ANM बहन जी ने यह भी बताया कि नवजात शिशु के लिए माँ का दूध ही पोषण का एकमात्र स्रोत होता है, इसलिए माँ को जल्द से जल्द और अगर मुमकिन हो तो जन्म के एकदम बाद ही बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। माँ का दूध पचाने में आसान होता है और उसमें वह सभी गुण और पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को स्वस्थ और बलवान बनाते हैं और बीमारियों से उसकी रक्षा करते हैं। शुरू के हफ्तों में बच्चों को हर 4 घंटे पर दूध पिलाना पड़ता है या फिर बच्चा जब भी दूध मांगे। दीपा अपनी बच्ची को नियमित रूप से दूध पिलाती और कभी कभी तो बच्ची को नींद से जगाकर भी उसे दूध देती। दीपा बच्चे के नाभि की खूंटे की देखभाल भी खास सावधानी से करती। वह हमेशा अपने हाथ धोकर ही उसे छूती और खूंटे को गुनगुने पानी से साफ करके मुलायम कपड़े से धीरे धीरे पोंछती। वह इस बात का भी ध्यान रखती कि बच्ची का मल मूत्र यानी पाखाना और पेशाब खूंटे को छूकर उसे गंदा ना कर दे। उसे ANM बहन जी ने चेतावनी दी थी कि अगर खूंटे का रंग लाल हो जाए, उसमें सूजन आ जाए या उसमें से मवाद टपकने लगे तो बच्ची को फौरन स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी दीदी के पास लेकर जाए या फिर किसी पास के क्लिनिक से मदद मांगे। और जैसा अक्सर स्वस्थ बच्चों में होता है, जब बच्ची 10 दिन की हुई तो दीपा ने देखा कि नाभि का खूंटा अपने आप सूख कर गिर गया। वैसे तो दीपा ने घर पर बच्ची की देखभाल बहुत अच्छी तरह करी, पर वह जानती थी कि समय समय पर बच्ची को ANM बहन जी या आंगनवाड़ी दीदी के पास ले जाकर दिखाना और टीके लगवाना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ता हर बार बच्ची का वजन लेकर सुनिश्चित करते कि बच्ची ठीक तरह से बढ़ रही है या नहीं। उन्होंने बच्ची को आवश्यक टीके लगाए और उन खतरों के बारे में बताया जिनसे बच्ची की सेहत को हानि हो सकती है। दीपा ने सीखा कि यदि बच्ची ठीक से दूध ना पी रही हो, नियमित रूप से पेशाब और पाखाना ना कर रही हो या फिर उसे दस्त हो रहे हो, वह बहुत रो रही हो, ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही हो तो स्वास्थ्य केंद्र लाकर उसे दिखाए। उसने यह भी सीखा कि अगर बच्ची को तेज़ बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ हो या फिर सांस बहुत तेज़ चल रही हो तो यह सब भी बीमारी के संकेत हो सकते हैं। दीपा ने बच्ची की त्वचा के रंग को पहचानना सीखा और समझा कि अगर जन्म के कुछ दिन बाद बच्ची का रंग पीला पड़ जाए तो यह पीलिया का संकेत हो सकता है। आज जब दीपा अपने 6 महीने की बच्ची को देखती है तो उसे खुशी होती है और गर्व भी कि उसकी बेटी अपने जीवन के पहले महीने में बीमार नहीं पड़ी और अब एक हंसती खेलती स्वस्थ बालिका है। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि दीपा ने बड़े धैर्य, सावधानी और मेहनत से बच्ची की अच्छी देखभाल करी और जैसा बताया गया वैसे ही बच्ची को दिखाने स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई।